But across the spokesperson of AIMIM, Mohd Farhan is back with us on the broadcast. Farhan sahab, aap se janna chahungi ki agar sarkar survey kar rahi hai ya agar sarkar ko ye chinta hai ki wahan pe radicalization ho raha hai ya kis tarah ki taleem di ja rahi hai, wo ye sari cheeze janna chahti hai, to aap usko kisi bhi tarike ka dakhal kyun mante hain, interference kyun mante hain? Kya sarkar ka kisi bhi tarike ka regulation community ko ya aapki party ko ye acceptable hoga? मैडम देखिए, क्या नाम है, यूडीआईएससी का जो सर्वे हुआ जी, वो केंद्र सरकार ने सर्वे जब करवाया तो भारत के जितने भी शिक्षण संस्थान थे उसमें मदरसा भी आता, सबका सर्वे किया गया और सर्वे रिपोर्ट उनके पास है भी। जब कोई व्यक्ति मदरसा अगर खोलना चाहता है तो उसमें होता है एक सबसे बेस प्रोसेस एनओसी, मतलब उसकी कितनी लैंड है और कितने उस पर बनना चाह रहा है, कितने फैकल्टी होंगे, कितने कमरे बनाए जाएंगे, इन सब के आधार पर जब ये बन के तैयार हो जाता है तब इसमें मान्यता दी जाती है। जब फर्स्ट ऑफ ऑल एनओसी आपको मिलती है तो एनओसी में ही सारी आपको जानकारी मिल जाती है। उसके बाद मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये केवल मदरसे की जांच इस तरीके से करा रहे हैं इन्हें चिन्हित करने के लिए कि वो देखना चाहते हैं कि कौन मदरसे में कितने ज्यादा लड़के हैं और क्या नाम है, इन्हें कहीं कोई गलत धारणा में ले तो नहीं जा रहे हैं, इनकी कहीं कोई संलिप्ति तो नहीं है, ये सब चीजों की जांच कराना चाहते हैं। मगर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो 5000 करोड़ रुपए का मदरसा आधुनिकीकरण का बजट केंद्र सरकार का था जिसको केंद्र सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, अगर केंद्र सरकार उस बजट को दी होती और वहां पर मदरसा आधुनिकीकरण के तहत वहां पर लैपटॉप टैबलेट तमाम चीजें वहां पर लग जाती और उसके बाद अगर जांच करने जाते दो बिंदुओं पर आपसे बात करूंगी। सबसे पहले तो ये कि क्या आज के युग में, आज के आधुनिक युग में मदरसा, अगर आप वहां पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आप वहां पे रिलीजियस अपनी लर्निंग्स देना चाहते हैं, वेरी गुड, आप दीजिए, मगर क्या सरकार की जो कोशिश होनी चाहिए वो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम्स बनाने की होनी चाहिए या मदरसे को मदद करने की होनी चाहिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या एक जिम्मेदार नेता होने के नाते, एक पब्लिक पर्सनैलिटी होने के नाते, आप ये भी रिकोगनाइज करते हैं कि आज रेडिकलाइजेशन एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और बहुत सारे ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो टीचिंग्स को ट्विस्ट करते हैं, रेडिकलाइज करते हैं, बहुत सारे टेरर केसेस भी सामने आते हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे रेडिकलाइजेशन को रोकने की एक जरूरत है और अनफॉर्चुनेटली अक्सर उसमें मदरसा का जो रोल होता है वो सामने आता है, भारत में ही नहीं दुनिया के कई हिस्सों में। पर देखिए, अगर मैं आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर देता हूं, अगर क्या नाम है मदरसे से कहीं कोई आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो रही हैं तो उस मदरसे को आप बंद कर दीजिए और जो व्यक्ति गतिविधियों में संलिप्त है उसे फांसी की सजा दीजिए, चौराहे पर लाकर दीजिए, इसका स्वागत किया जाएगा। ठीक है, हम नहीं चाहते कि किसी भी मदरसे से कोई भी आतंकवादी गतिविधियां संचालित हो। मुझे पता है कि आतंकवादी गतिविधियां संचालित नहीं होती मगर सरकार मदरसे और मुसलमानों को टारगेट बनाने के लिए इस तरह की गलत षड्यंत्र रच के आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मदरसों को और मुसलमानों को बदनाम करने का काम करती है। पहली सवाल। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो मदरसा है और मदरसे पर इतनी कृपा की जा रही, मैं चाहता हूं कि मदरसे या मुसलमानों पर ही इतनी कृपा क्यों हो रही है, उन्हें क्यों इतना मॉडलाइजेशन बनाया जा रहा है। हमारी धार्मिक स्वतंत्रता है, हमारी आर्टिकल 30 में ये लिखा हुआ है साफ साफ, धर्म या भाषा के आधार पर, अपनी पसंद के आधार पर अपनी शैक्षणिक संस्थाओं को हम डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरीके से तमाम क्या नाम है रिलीजन्स के लोग हैं, उनके भी अपने अपने सारी चीजें हैं, उन पर भी जांच करा लीजिए। केवल मुसलमानों पर ही इतनी कृपा कर क्यों कर रहे हैं, इतना रहम क्यों कर रहे हैं, मुसलमानों को मॉडर्नाइजेशन बनाएंगे? पहली मैडम, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अगर मुसलमानों के बच्चों को मेडिकल की शिक्षा लेनी है, पॉलिटेक्निक की लेनी है, इंजीनियरिंग की लेनी है या इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ना है, हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ना है तो सारे ऑप्शन खुले हैं। माँ बाप तय करते हैं ना कि किन बच्चों को किस चीज में हमें डालना है। अगर माँ बाप ये तय करते हैं कि मेरा बेटा धार्मिक शिक्षा लेगा तो उसमें किसी की क्यों दखल? भारत में हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। मैंने आपके दोनों पॉइंट्स लिए।